मेरा फैन फिर से गिर गया बेड के पास। ये बेड के पास गिर गया उसका फैन भी। यार बड़ा बुरा हाल रे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज बज चुके हैं 11:15 हो रहे हैं। आज हमने वर्क अपना ऑफ किया, डे वर्क, क्योंकि ऐसा है ना तो रफ ज़्यादा है, तो 15 डिग्री यानी 15-20 डिग्री के करीब जा रहा है, तो बीस काफ़ी से दिक्कत ऊपर हुई। है, हाँ, 20 से ऊपर है। काफ़ी दिक्कत हुई। पूरा केबिन का सामान इधर से उधर धड़ाम धड़ाम धड़ाम। तो बताते हैं तुम, साहब आप बताओ एक्सपीरियंस कुछ के साथ। मेरा खाना उधर बिगड़ गया पूरा। मैं अभी क्या करूँ ये सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हाँ, एक झटका को भी लगा, लेकिन अब तब से थोड़ा सर मंडरा रहा है। अपना और झटका डेंजरस हुआ भाई, क्या बताएं, खतरनाक हुआ। अरे सब गया मेरे इधर उधर उधर इधर। मेरे केबिन में तो बिल्कुल इधर से उधर रहे, कहता है टेबल इधर, और पानी की पेटी फूट गई यार, पानी आनी भर के अंदर है। अच्छा हुआ कि मैंने फ़ोन अपने हाथ पे रखा हुआ था, तो हाँ फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो टूट जाता फ़ोन। तो आज मैंने सही, हमें लगा कि आज सही डिसीजन लिया हमने। सिचुएशन ऐसी थी कि आज हमने डे वर्क करने में थोड़ा एक्सक्यूज़ लिया, क्योंकि जीप से पूछा था हमने, यार आज थोड़ा सा रफ जा रहा है, तो इसलिए हमने किया नहीं, तो ठीक लिया है डिसीजन। तो अभी रेस्ट कर लेंगे, तो कुछ टाइम बाद कर लेंगे। अभी वॉच स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ऊपर ब्रिज में भी काफ़ी दिक्कत होने वाली है। ब्रिज में इतना दिक्कत हो रहा है, अभी जैसे ही जितना मतलब जितनी हाइट में जाएंगे उतना ज़्यादा रोलिंग लगता है, क्योंकि डिग्री चेंज होते रहती है ना, तो इस चक्कर में। तो फिर अभी वॉच में जाने वाले हैं जितेंद्र। चलिए मेरे केबिन की कंडीशन देखते हैं, और दिनेश जी क्या बोलेंगे। दिनेश दिनेश बहुत ही खतरनाक रोलिंग हुई यार आपके आंटी, क्या होगा। कुछ नहीं, आवाज़ बोलिए। बताइए मोटर वोटर सब ठीक ठाक, केबिन वेबिन लुड़का तो नहीं कुछ। हाँ तो दिनेश की मजा रही है। दिनेश, अरे दिनेश का केबिन सही है। हाँ लेकिन देखो दिनेश के केबिन में क्या क्या हुआ, देखो इतनी बर्बादी हुई दिनेश के केबिन में। फैन गिर गया, फैन गिर गया, ये पेटी की इधर उधर हो गई, सोफे इधर से उधर हो गए, फैन गिर गया, बहुत दिक्कत हुई है। मेरे केबिन में भी बहुत दिक्कत हुई है। आज का दिन तो पता नहीं क्या था यार। आज क्या है, 8888 आज 8 तारीख 8 अगस्त 2022। तो कुछ काम है नहीं अभी, अभी करना भी नहीं है रिस्क ऐसे में, ठीक है। तो डेक में बहुत ही रोलिंग हो रही है, मैं दिखाता हूँ अपने फोटो से दिखाऊंगा। वो शिट शिट शिट, ये मेरा केबिन है, और मैं कंडीशन दिखाता हूँ केबिन की। दिनेश भाई, दिनेश भाई कम ऑन, दिनेश भाई देखो क्या हाल हो चुके हैं, क्या हो गया मैं, बहुत बुरा हाल हो गया। सो गाइस, अभी इतनी बुरी हाल में यार एक सब्सक्राइब तो बनता है, इतना डेंजर हाल हो गया, तो पूरे केबिन में भी बिखर गया सब कुछ। सो गाइस, मेरे केबिन की हाल देखो, इतनी रोलिंग हुई 15 डिग्री 20 डिग्री, तो इतना दिक्कत है। मैंने अच्छा क्या कि बैग अपने बेड में डाल लिया, और फैन मेरा गिर गया यार भैया। इतना आसान नहीं है लाइफ गुजारना इधर, सब कुछ बिखर गया, सब कुछ, टेबल चेयर। इससे पहले सुधार के कह रहा, इससे पहले सुधार किया था, सब कुछ बिखर गया। वो देखो फैन, अब मेरा ब्रश नीचे गिर गया, टूथपेस्ट नीचे गिर गया, सब कुछ बहुत ज़्यादा रोलिंग है। और पानी गिरा हुआ है, ये देखो पानी की पेटी फूट गई, तो पानी निकल गया। और ये देखो मेरा फैन, फैन बेचारा यहाँ चल रहा है, लेकिन यहाँ गिर गया, बेड के ऊपर गिर गया। आज बहुत ज़्यादा रोलिंग थी यार। अभी आपको दिखाता हूँ, अभी मैं सुधार लिया, अभी थोड़ी देर में देखना। ये देख रहे हो चेयर खुद ही घूम रही है। और बाहर का व्यू देखते हैं, बाहर कैसा दिख रहा है, बाहर रोलिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, देखो गाइस बहुत दिक्कत है। तो आज तो यार हद ही कर दी, बताओ स्पीड भी नहीं है ना इसकी, मैं एक्चुअली में स्पीड नहीं है आज, इसकी स्पीड है 5 नॉट चल रही शायद, साढ़े 5.5, तो काफ़ी दिक्कत। अभी अरुण के पास आते हैं, अरुण क्या कर रहा है, अरुण भी, अरुण को भी प्रॉब्लम हो ही रही होगी यार। अरुण, मिस्टर अरुण क्या हो गया तेरे साथ, अरुण क्या है, अरुण सही है, अरुण है।
देखो अरुण का केबिन में आया, मैं अरुण की केबिन में लैपटॉप में मूवी चल रही थी, लेकिन उसका फैन देख रहे हो कहाँ पड़ा हुआ, बेड के पास। ये बेड के पास गिर गया उसका फैन भी। यार बड़ा बुरा हाल रे, बताओ इतनी रोलिंग हो सकती है तो फर्स्ट जो बंदा आता है उसको कितनी दिक्कत हो सकती है, पूरे सर चकरा जाएंगे सर। सो गाइस अभी वेसल भी छोटा है तो 1 मीटर का है ये, बस रोलिंग ज़्यादा हो रही यार। अरुण अरुण में भी लगता है अरुण ऊपर गया हुआ। अरुण यार तेरे केबिन में तो पंखा गिरा हुआ था, तेरे बेड में अरुण के केबिन में गया था, अरुण ऊपर गया था लेकिन पंखा इसके बेड में गिरा हुआ था। मेरे केबिन की तो हालत खराब है यार, मेरे केबिन फिर से मैंने सुधार रखा था, फिर से खराब। पूरा धड़ 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 बोल रहा है यार केबिन का। देखो तो हम लोग सब लोग अभी बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है आज। रे बाबू ऐसा लग रहा है जैसे 3 बोतल पी के बैठे हैं। सही बात है यार, इतना तो नशा उसमें भी नहीं होता है, सही में बताऊं बहुत ज्यादा हो रही है। अरे उधर गिर रहा है कोई, इधर से गिर रहा है कोई, उधर से गिर रहा है सामान। वही तो, पंखा तो गिरा था तेरे बेड में, मैंने संभाल दिया उसको, वहां पे रखा हुआ। तो गाइस इतनी दिक्कत हो सकती है अपने केबिन में, है ना। हाँ इसके बिन में तो सही है, लेकिन मेरे वहाँ बहुत रोलिंग हो रही है यार, बहुत ज़्यादा। सो गाइस अभी मैं अरुण के बिन में बैठा हूँ, लेकिन मोमेंट देखो ना, यहाँ टॉवल की, कपड़ों की, ऐसे लग रहा है पूरा सब कुछ झूल रहा है। तो गाइस अभी मैं अपने केबिन में चलता हूँ क्योंकि वहाँ भी संभालना ही है, थोड़ा बहुत गिर रहा तो कुछ ना कुछ होगा ही। और पता रफ सी में ऐसा होता ना तो उसी सिकनेस लगती है, यानी चक्कर आते हैं, उल्टियाँ आ सकती हैं। तो इस टाइम आपको ना लिक्विड चीज़ें कुछ खाना ही नहीं है ज़्यादा। तो फिर से देख रहे हो, फिर से थोड़ा सा मोमेंट लगा मुझे कि मैं बहुत बुरा हाल है केबिन का, तो अभी तो ऐसे रहेगा, अभी क्लीन नहीं कर सकता हूँ कुछ भी, बाद में कर लूँगा। अभी तो बस जो सामान गिर रहा है उसी को संभाल लूँ और ख़ुद को संभाल लूँ। बाथरूम की कंडीशन पता नहीं क्या है, वो भी देखना पड़ेगा, पूरा ऐसे लग रहा है, टेढ़ा चलना पड़ रहा है, बोतल वोटल सब बिखर गई, सब कुछ बिखर गया रे, अभी कुछ नहीं कर सकता है, चुपचाप से बैठने का इधर और रोलिंग को झेलने का। फैन देखो और ये कितना डिसबैलेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा। सो गाइस ऐसी है लाइफ अपनी, तो हम तो झेल लेते हैं क्योंकि हमें आदत हो गई है थोड़ी। तो आपको कैसा लग रहा है? ओके बीरे, क्या हाल है, कैसा हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो रहा है। ठीक है, हमारे प्रिंस बाली जी, तो हम अभी लंच करने जा रहे हैं, क्या करें, थोड़ा बहुत खा लेते हैं यार, अभी खाना भी बहुत ज़रूरी होता है इसमें, सी सिकनेस लगता है, तो जब भी वोमिटिंग होती खाना चाहिए, लोग बोलते हैं ना कि नहीं खाना चाहिए, तो ये गलत है। हाँ नहीं पीना चाहिए, लिक्विड नहीं पीना चाहिए, फूड आप खा सकते हो जिससे आपका पेट भरा भरा रहेगा, जिससे पेट में रोलिंग मतलब ऊपर नीचे पेट कम रहेगा। तो कुक के पास आ गया हम, कुक ने पता नहीं क्या बनाया आज, और कुक का दाल आधा गिर चुका था। सो हमने सिक्योर किया इससे वायर से कि गिरे ना, रोलिंग होगी चलेगा लेकिन गिरे ना, तो थोड़ा बहुत खाना तो बचाना हो अपने लिए। ड्राई ड्राई खाना खाने का। सो आज मैंने कुछ नहीं खाया, ड्राई खाया और पिकल खाना ज़रूरी है, ड्राई खाना, और अरुण जो पिकल खा रहा है वो भी मैं भी खाऊंगा। सो आज मैंने कुछ नहीं लिया, वेजिटेबल लिया और राइस लिया बस, बाकी कुछ खाना ही, दाल भी नहीं लिया मैंने, दाल इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे पेट में लिक्विड हो जाएगा तो फिर हो जाएगा प्रॉब्लम, तो इसीलिए। आप भी खा रहे हैं ना, आप भी सब्जी खा रहे हो ना, सब्जी और चावल, और अरुण भी सब्जी चावल खा रहा है और प्रसिद्ध अचार खा लेगा, मैं भी अचार बाजार खा लेता हूँ, साथ में सब्जी और चावल खा रहा हूँ बस। ओके okay?